मैं देखना चाहता हूँ कितनी जोर से इस बार यीशु का जयकारा हम लगाएंगे। बोल यीशु मसीह की, राजाओं के राजा सच्चे बादशाह यीशु मसीह की, जो जिंदा मेरे अंदर है। बोलो है, सारी पहले बोलो है कि नहीं। पंजाबी साथ कितने लोग पंजाबी हैं भाई? पंजाबी देर से आते लेकिन आ जाते हैं। ताली जाके जोर जाता हूँ जय कबा। जेड़े लाहौर लेट हो कैलिफोर्निया भी लेट, हालेलुया। लेकिन मुझे एक चीज पता है कि हमारे खुदा का कलाम कहता है कि वो ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई में उसकी परस्तिश करे। और मुझे मालूम है कि हम यहाँ पर रूह से बने हुए हैं, और हमारे डेविड भाई ने इतनी अच्छी जोरदार ताकतवर और रूह से बनी परस्तिश, हम जोरदार ताली खुदा के लिए बजाते हैं। जोरदार तालियां सारे मिलते हैं, ये नहीं जोरदार तालियां कबा। दो तीन बातें मैं कहना चाहूंगा कि मैं कोई रतन नहीं हूं। 9 रतन आए, अभी 10वां नौकर आया आपके यहां। खुदा का मैं खादिम हूं, सर्वेंट हूं, और मैं, मेरे लिए बहुत गौरव की बात है, गर्व की बात है कि खुदा ने हमको चुन लिया है। आमीन। क्योंकि हम अंधकार में थे, खुदा हमको रोशनी में लेके आया है। तो ये, और दूसरी बात, सारे बोले दूसरी बात, पड़ोसी से पूछो दूसरी बात क्या है। बोलो दूसरी बात क्या है। दूसरी बात ये है कि मैं किसी फूल का हकदार भी नहीं हूं, क्योंकि मेरा यीशु कांटों के साथ था। वो सलीब के ऊपर, क्रूस के ऊपर उसके हाथों में कीलें थी। तो मेरी कोई हिम्मत नहीं कि मैं अपने ऊपर फूल लूं या गले में माला लूं, लेकिन मैं ये जानता हूं कि आपका प्यार है, आपकी मोहब्बत है, और हम खुदावंत का शुक्र करते हैं कि ये मोहब्बत इसलिए है क्योंकि हमारे बीच में यीशु मसीह है। हालेलुया। सब लोग बोले यीशु मसीह की। तो सब अपने हाथ उठाएंगे, खुदावंत आपका शुक्र करते हैं, खुदावंत आपकी तारीफ करते हैं कि आज का दिन इतना मुबारक दिन खुदावंत जो आपने आज हमारे लिए मखसूस किया है खुदावंत, कि हम यहाँ पर आकर खड़े हों, और यहाँ पर आज किसी इंसान के नाम को जलाल नहीं मिलेगा, बल्कि यहाँ का आज चीफ गेस्ट सिर्फ यीशु मसीह है, और हम यीशु के ही नाम को जलाल देंगे। खुदावन यहोशुआ यानी खुदा, वो जो नजात है, वो हमारा मुंजी, हमारा उद्धार करता, हमारा नजात दहिंदा, हमारा पर्सनल सेवियर, हमारा परमेश्वर, जिसने हमें जिंदगी दी है और जिसने हमें नजात दी है। खुदा हम शुक्र करते हैं कि आज तेरी इस पाक जगह पर खड़े होकर हम तेरे नाम को ऊंचा उठाए खुदा, और हम कहते हैं कि तू आज हमारे बीच में आ, कि खुदावन तेरा तक सोने चांदी हीरे जवाहरात से नहीं, बल्कि तेरी हमदो सना से तैयार होता है। और खुदावन आज स्वर्ग ऊपर नहीं, स्वर्ग आज इस जगह पर है, और खुदावन तेरी जन्नत और तेरा पूरा मसा और तेरी हजूरी आज हमारे बीच में है। हम अपने दिलों को तैयार करते हैं, और खुदावंद इस जगह को तेरे पाक लहू से ढक देते हैं, और तेरे इस पाक लहू से ढकी हुई खुदावंद चारों तरफ एक एक खिड़की दरवाजे के ऊपर तेरे लहू को लगाते हैं, और तेरे फरिश्तों से कहते हैं आज हमारे साथ मिलकर तेरे नाम को ऊंचा उठाएंगे। और जितने लोग आए हैं तो उनके दिलों को तैयार करते हैं, एक एक भाई, एक एक बहन, एक एक बुजुर्ग, एक एक बच्चे को खुदावंद आज तैयार करते हैं कि वो तेरे आनंद में नाचेंगे, तेरे आनंद में गाएंगे, क्योंकि जिसको बेटा आजाद करता है वो आजाद है, जिसको खुदा आजाद करता है वो आजाद है। खुदा उनके नाम से इस छोटी सी दुआ को करते हैं, और सबने कहा, सबने कहा, और जोर से तालियां, हालेलुया। तो यीशु मसीह की परफॉर्मेंस देने नहीं आया हूं, ठीक है? आज सारे बोलो हम जगह को हिला देंगे, पड़ोसी बोलो आज हिला देंगे, यहां पर बोलो आज यहां पे हिला देंगे। आमीन। खुदावंद ने मूसा को जब उस झाड़ी में बुलाया तो धरती हिल गई थी,
Amen. जब खुदा जब भी कुछ करता है तो जगह हिल जाती है. Amen. तो आज खुदावन यहाँ पर मौजूद है. कितने लोग ईमान लाते हैं कि आज खुदा मौजूद है? दोनों हाथ उठा के बताएं कि खुदा मौजूद है. बोलो खुदा मौजूद है. पड़ोसी से बोलो खुदा मौजूद है. उसका मसा यहाँ पे है, उसकी हजूरी यहाँ पे. तो बोल यीशु मसीह की. पहला ट्रैक चलाएंगे. हालेलुया. तालियां बजा दे. कम ऑन. Oh,
यहाँ पे कोई नहीं हिलेगा, सिर्फ खुदा का रूह हिलेगा। और खुदा का रूह यहाँ पे काम करने के लिए आया है, और खुदा का रूह हमें छूने के लिए आया है। बोलो यीशु मसीह की। हाँ नहीं, मेरे पास पानी है, मेरे पास पानी है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। तो आज हम यहाँ पर जो मौजूद है, हाँ जी, हम यहाँ जो मौजूद है, जैसे पौलुस ने कहा कि मैं अपने चालाकी के या समझदारी के अल्फाज लेके नहीं आया हूं, अगर मैं लाया हूं तो खुदा की बातें लाया हूं। आमीन। हमारे जो हमारी मसीहत में हमारे हम बॉम्बे में हम सत्संग करते हैं, हमारे पिताजी हमसे कभी वो पूछते हैं, कहते हैं कि बेटा हम वो पार्क घूमने जाते हैं रोज, गार्डन है हमारे बॉम्बे में, छोटे छोटे गार्डन है, आपके जैसे नहीं है लेकिन छोटे छोटे गार्डन है, और वो जाके वहां पे अपने दोस्तों से बातचीत करते हैं। बोलो यीशु मसीह की। वो दोस्तों से बातचीत करते हैं तो पंजाबी स्टाइल से कहते नहीं यार, मैं बुजुर्गों नाल गल करना गार्डन, वो सारे अनबिलीवर ने होते हैं। तो जो जो गार्डन में लोग मिलते हैं वो कहते हैं सारी जिससे भी बात करो, कोई फिल्मों की बातें कर रहा है, कोई पैसे की बातें कर रहा है, कोई ऐसी बात कर रहा है, क्योंकि तुम्हारे सत्संग में छोटे छोटे बच्चे खुदा की बात करते हैं। आमीन। क्योंकि हमारे लिए खुदा सब कुछ है। आमीन। और खुदा का कलाम कहता है, उसने कोई उम्र की उसने ये नहीं कही कि उसने कहा कि जो भी यीशु के नाम से जो बांधेगा वो, अगर एक छोटा सा बच्चा, एक छोटी सी बेटी अगर किसी कैंसर के रोगी के ऊपर हाथ रखी तो शिफा पा जाएगा। आमीन। क्योंकि हमारे शब्दों में ताकत नहीं है, अगर ताकत है तो कलाम में है। अभिषेक आता है उसके वचन से, मसा आता है उसके कलाम से, वो कलाम बंधन तोड़ता है। तो एक गीत मैं आपको सिखाना चाहता हूं, सब मेरे साथ बोले के आता हूं मैं यीशु नाम से, कहता हूं मैं यीशु नाम से, बोलो पूछे बाहर खड़े के, आप भाई आप प्रचार किस दम पे कर रहे हैं, आपके पास क्या क्वालिफिकेशन है, आपके पास थियोलॉजी की डिग्री है, आप क्या कहीं किसी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से सीख गए हैं? मेरे पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, मेरे पास एक ही डिग्री है कि मेरा यीशु क्रूस के ऊपर है, ये मेरी डिग्री है। हालेलुया। तो मैं यीशु के नाम से आता हूं कि यीशु नाम के आगे हर घुटना टिक जाए, बोलो के कहने से एक मक्खी भी नहीं उड़ती है, लेकिन यीशु के नाम से हर घुटना टिक जाता है। यीशु मसीह खुदा है, हर ज़बान ये गाए, बोलिए यीशु मसीह खुदा
यीशु नाम, यीशु नाम सबसे प्यारा, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम सबसे प्यारा, यीशु नाम। तो जब हम कुछ भी करने लगते हैं हम कैसे आएंगे, जरा अपने कमर पे हाथ रखे बोले, आता हूँ मैं यीशु नाम से, कहता हूँ मैं यीशु नाम से, बोलो आता हूँ मैं। Second, first song. Yeah. हर घुटना टिक जाए, बोलो Yeah.
मेरा नाम अनिल कांत है, मैं एक हिंदू पंजाबी परिवार से आता हूं। और कभी कभी लोग पूछते हैं आपने धर्म बदला है, तो मैं कहता हूं मैंने धर्म परिवर्तन, क्योंकि धर्म बदलने से कभी नजात नहीं मिलती है। आमीन। देयर आर मेनी रिलीजियंस, देयर आर मेनी गॉड्स। हमारे हिंदुओं में तो बहुत भगवान है, आप बोलो एक जो कोई भगवान है। सही बात है, यीशु मसीह की मिलियंस है और 84 लाख है। कितने हैं? 84 लाख। मुझे किसी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोलो यीशु मसीह की जय। मुझे प्रॉब्लम नहीं है, खुदा को है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। बात यह है, धर्म बदलने से कभी मुक्ति नहीं मिलती है। हिंदू से क्रिश्चियन बनने से मुक्ति नहीं मिलती है, क्रिश्चियन से मुसलमान बनने से मुक्ति नहीं मिलती है, मुसलमान से क्रिश्चियन बनने से मुक्ति नहीं मिलती है, लेकिन एक इंसान से, एक मसीह बनने से मुक्ति मिलती है। हालेलुया। यीशु मसीह इस दुनिया में एक और धर्म लेके नहीं आया, जबकि क्रिश्चियनिटी एक धर्म बन चुका है, लेकिन यीशु मसीह धर्म नहीं लेके आया। यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा आई एम अ रिलीजन, आई एम द डिनोमिनेशन, आई एम द कल्ट, ऐसा कुछ बोला? जीसस ने कहा आई एम द वे, ट्रुथ एंड लाइफ। तो जीसस कोई डिनोमिनेशन नहीं लाया, कोई कल्ट नहीं लाया, कोई रिलीजन नहीं लाया, यीशु मसीह जिंदगी लाया। आमीन। बोलो यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। मैं हिंदू परिवार से आता हूं, मेरे दिल में इच्छा थी, मेरी मां जो मेरी माता जी जो परमेश्वर के पास है, क्योंकि उन्होंने ये जीवन छोड़ने से पहले प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया, उन्होंने बपतिस्मा लिया और वो खुदा के पास है। लेकिन जब मैं छोटा था, जब हम छोटे थे, तो वो हमें जगह जगह लेके जाते थे। कितने लोगों ने साईं बाबा का नाम सुना? इंडिया में साईं बाबा है, बाबा रे बाबा, बहुत सारे बाबा है इंडिया में। कितने सारे? अभी निर्मल बाबा है, एक साईं बाबा। अरे ये अच्छा करिए बेटा, ये बहुत अच्छा, इसी को ऐसे ही रहने दो। एक निर्मल बाबा है, एक साईं बाबा है। मैं और रीमा एक और बाबा के पास गए थे, वो बाबा पांव खोल के ऐसे बैठ जाते थे, लोग आके उनके पांव धोते थे, वो पानी पीते थे, और हम लोग लाइन में खड़े हैं। रीमा कहते इसके पांव गंदे हैं, हम लोग लाइन से निकल गए चुपचाप। मैंने कहा भैया ऐसे किसी बाबा के पांव नहीं लूंगा, क्योंकि हमारे यीशु बाबा ने अपने चेलों के पांव धोए थे। हमारा यीशु बाबा पांव धुलवाता नहीं है, बल्कि पांव धोता है। हाँ, दुनिया के बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम अपने खुदा के लिए जान दे देंगे और जन्नत में जाएंगे, लेकिन हमारे खुदा ने सारी दुनिया के लिए अपनी जान दे दी। जान देने से हम मसीह नहीं बनते हैं, बल्कि उसकी जान की कुर्बानी के ऊपर ईमान लाने से हम मसीह बनते हैं। मुक्ति की तलाश में था, मैं मोक्ष की तलाश में था। मेरी एक ही प्रार्थना थी जो संस्कृत में थी, के असतमा सगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्वा अमृतम गमय। ये पुरानी प्रार्थना साधुओं की, ऋषियों की, जो पहाड़ों में जाते थे और प्रार्थना करते थे, जो स्वीकार करते थे, और वो कहते थे कि असतोमा सत्यमय, हे परमेश्वर हमें असत्य से सत्य में लेके जा। लॉर्ड लीड अस फ्रॉम अनट्रूथ टू तमसोमा ज्योतिर्गमय, हे परमेश्वर हमें तमस यानी अंधकार से रोशनी में लेके जा। लीड अस फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। और तीसरी बात, मृत्यु मा अमृतम गमय, क्या हमें मृत्यु से अमृत, अमृत बोलो, अमृत, अमृत का अर्थ है अमृत, जो कभी मरता ना हो। और ये ऋषि मुनि कहते थे कि हमें मृत्यु से अनंत काल में लेने जा, लेकिन उत्तर नहीं था, इनके पास जवाब नहीं था, क्योंकि एक किताब कहती है, एक पुस्तक हमारे भारतीय संस्कृति की पुस्तक कहती है कि जैसा कर्म करोगे उसके मुताबिक आपको अगला जन्म मिलने वाला है। अच्छे अच्छे काम करोगे तो एक ब्राह्मण परिवार में पैदा होगे, बहुत सारे अपने जीवन के बाद, और बुरा करोगे तो घोड़ा बन जाओगे, गधा बन जाओगे। हाँ, वो भी पॉसिबल है। धोबी का गधा न घर का न घाट का। मैंने कहा नहीं प्रभु, ये मेरा मार्ग नहीं है,
मैं सत्य जानना चाहता हूं, सब बोलो यीशु मसीह की, सब बोलो यीशु मसीह की। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि जीसस, जीसस तो गोरों के लिए सिर्फ, ये ऐसा मैं सोचता था कि जीसस के पास तो कभी भी नहीं, और बल्कि मैं तो जीसस की सारी उल्टी उल्टी बातें निकाल के लोगों को बताता था, और मैं अपने घर रीना को ऐसे ऐसे वीडियो दिखाता था जीसस के कि वो कभी जीसस का नाम नहीं लेगी। लेकिन यीशु मसीह की तो बात ही कुछ, सब बोले यीशु मसीह के, सारे जोर का ताली बजाओगे, हालेलुया, जोर का ताली यीशु मसीह की, जरा जोर से बोलो यीशु महाराज की। तो मेरी यही प्रार्थना थी। लेकिन मैं उन दिनों में इंडोनेशिया, कितने लोगों ने इंडोनेशिया का नाम सुना है, जकार्ता इंडोनेशिया में खुदा मुझे ले गया, मैं 4 साल सिंगापुर, 10 साल इंडोनेशिया, वहां की फिल्म इंडस्ट्री जो सारी इंडियन लोग चलाते हैं, इंडियन लोग फिल्में बनाने में कमाल है, इंडिया में भी बनाते हैं, सारी दुनिया में भी बनाते हैं, अभी थोड़े दिन में हॉलीवुड में भी बनाएंगे और डिज्नी वर्ल्ड की जगह पंजाबी वर्ल्ड बन जाएगा, वो हॉलीवुड की जगह पंजाबी वुड हो जाएगा, इंडियन लोग कुछ भी कर सकते हैं, बोले यीशु मसीह की। तो मैं जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है मेरी जब मैं मसीह में आया तो ये मेरा पहला एल्बम इबादत करो जो खुदा ने मुझे गीत दिए, कि मेरी रूह खुदा की प्यासी है, मेरी रूह जो हिरनी है वो पानी के नालों को तरसती है, वो तालाब का पानी नहीं पीती है, सड़ा हुआ पानी नहीं पीती है, उसको मीठा मीठा बहता हुआ जल चाहिए, हालेलुया। और मैं भी कोई धर्म नहीं चाहता था, वो तालाब है, धर्म जो नाली बन जाता है तालाब बन जाता है, लेकिन यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हारे अंदर से झरना जारी कर दूंगा, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। मैं कहता था खुदावंद मुझे तेरे पास आना, लॉर्ड आई वांट टू सी यू, फादर आई वांट टू सी योर फेस, आई वाज नॉट कंटेंट विद रिलीजन, आई वाज लुकिंग फॉर द ट्रूथ, आई वाज लुकिंग फॉर द लाइट, आई वाज लुकिंग फॉर इटर्नल लाइफ, आमीन। मुझे मार्ग चाहिए था, मुझे सत्य चाहिए था, बहुत मंत्रों का जाप कर लिया था मैंने, लाखों बार मैंने लक्ष्य अर्चना करके देख लिया था, लेकिन सत्य नहीं मिलता था। मुझे कहा गया कि जैसा गुनाह करोगे वैसा जन्म मिलेगा, कौन है जो मेरे गुनाहों का बोझ लेके अपने अपने सर के ऊपर ले ले, कौन है जो मुझे आजाद कर रहा है, कौन है जो मुझे मुक्ति दे। हर धर्म ने कहा कि नहीं, जो करोगे तुम्हारे साथ वैसा ही होने वाला है, लेकिन किसी ने मुझे इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया लोग कितने लोग जानते हैं, मैं चर्च में जाता था वहां पे वर्शिप करने, नहीं मैं तब बिलीवर नहीं था, वो चर्च के लोग, आपके जैसे प्यारा सा चर्च था, उन्होंने मुझे बुलाया कि आप आके जरा हमारे कॉयर ग्रुप को म्यूजिक सिखाइए, सब बोलो यीशु मसीह की। तो मेरी वाइफ कहती है कि आप आ जाओ बेटा, आ जाओ बैठ जाओ, मेरी वाइफ कहती है, सारे सुनो इधर, मेरी वाइफ कहती है चर्च नहीं जाना, ये क्रिश्चियन बड़े चलाक होते हैं, ये क्रिश्चियन जो है ना आपको क्रिश्चियन बना देंगे, ये क्रिश्चियन आपका धर्म बदल देंगे। मैंने कहा तू चिंता नहीं कर, मैं म्यूजिक सिखाऊंगा, मैं बड़े गुस्से से जाता था, चलो बोले सारे गरे सा, लेकिन मुझे बाद में पता चला क्रिश्चियन बहुत चलाक होते हैं, बहुत ज्यादा चलाक होते हैं। वो मुझे कहते थे ब्रदर जी, जैसे हमारे डेविड मसीह भाई, प्यारे ऐसे ऐसे प्यारे से खूबसूरत से बड़ी पास्टर थे, इतनी प्यारी उनकी स्माइल थी, ब्रदर जी ये जरा आप ना करंथियों की किताब से गीत लिख दीजिए। और मैं क्या ठीक है, मैंने गीत लिखना शुरू किया, वचन पढ़ा, फिर कहते जी आप हमारे को ना यहां से वचन लिख दीजिए, इफिसियों से लिख दीजिए। मैं बाइबल पढ़े जा रहा हूं जबरदस्ती, मैं बाइबल पढ़े जा रहा हूं, बाइबल मेरे अंदर घुसे जा रही है, और मैं घर में आकर रीना को बोलता हूं यार मैंने इतनी खोज की है लेकिन ये बाइबल जैसा मुझे आज तक कुछ नहीं मिला। रीना कहती मैंने बोला था, और जो क्रिश्चियन है वो कभी किसी का पीछा छोड़ते नहीं है,
सारे बोलो यीशु मसीह की, इसका बर्थडे हो, इसका बर्थडे हो, मेरा बर्थडे हो। सारे घर आएंगे 15-20 लोग प्रेयर करने के लिए। सारे गॉड विल यूज यू टू द एंड ऑफ द अर्थ, गॉड विल ब्लेस यू, ही विल मेक यू अ ब्लेसिंग, अब्राहम्स ब्लेसिंग, ये ब्लेसिंग, वो ब्लेसिंग। रीना कहती है साजिश हो रही है, ये जो आपको जो क्रिश्चियन बनाएंगे इनको $500 मिलेंगे की बंदे के। बोलो यीशु मसीह की। अब मैं फंस गया क्योंकि मुझे अच्छा लगता था कलाम, मैं गीत लिखता था, मेरे दिल को छू जाते थे, लेकिन अपने घर में बता नहीं पाता था। उधर से मेरी मम्मी को पता चल गया, रीना तू ध्यान रखी ऐ क्रिश्चियन ना बन जाए। तो रीना को इंडिया से फोन आता था और ये मुझे ऊपर से डांटती थी, लेकिन खुदा का कलाम हथौड़ा है, हथौड़ा है। बोलो हथौड़ा है। क्या है हथौड़ा? क्या करता है? खुदा का कलाम तलवार है। तलवार क्या करती है? तो यीशु मसीह की तालियां बजाओ सारे। हेलो कमान, ये वाली नहीं, एक रूप बचाई गई है, ऐसी ताली बजाओ कमान। एक रूप बचाई गई है, जोरदार तालियां, शोर बचाओ। से तो बच गया, खुदा से कैसे बचता। आमीन। एक बार ये इंडोनेशिया से इंडिया गई और मैं जी फ्री हो गया, मैं फ्री हो गया। मैंने पास्टर को खाने को बुला लिया, आओ जी मेरे घर में आओ, रोटी खाओ। अब बता दूं तो बताता हूं, अब ये कुछ नहीं कह सकती। पास्टर को बुलाया जी, वो मेरे लिए दुआ करने लगे। बपतिस्मा लेने से पहले पात्र का बपतिस्मा हो चुका था। बोलो यीशु मसीह की। और मेरे अंदर दुआ काम करने लगी थी, मेरा ईमान बढ़ने लगा, मेरा विश्वास उठने लगा। और एक पास्टर ने मेरे लिए दुआ की, सिंगापुर से पास्टर है, पंजाबी पास्टर, पास्टर संतार सिंह। और मैं क्या सिंह साहब, तुसी किस तरह पास्टर बन गए? पाकिस्तान पा गए तुसी पास्टर? कहते यार तू साडा साइन देखे सरदारा का की? कहते दो तलवारा। कहते तो देखे मसीह माफ करने वाला खुदा है। कहते मैं हूं तलवारा छड़ दिया ने तो मैं मोहब्बत अपना ली है। हालेलुया हालेलुया। सारे बोले यीशु मसीह की। अरे आपको तो शायद मसीहत जन्म से मिल गई है। मुझसे पूछो जो भूखा था, मुझसे पूछो जो प्यासा था। सही बात है। जो आपको मिला है उसकी कदर करो, जो आपके पास है वो दुनिया के पास नहीं है, जो हमारे अंदर है वो उससे बड़ा है जो जमाने में है। ताली बजाओगे सब यीशु मसीह के लिए। आज कुछ होने वाला है, ये दिल हिलने वाले हैं, आग लगने वाली है। खुदा का कलाम आग है। चलो, खुदा का कलाम आग है, खुदा का कलाम आईना है, आईना है। बोलो आईना है। आईने में जाके अपनी सूरत नजर आती है, हमें पता चलता है कि हम कितने बदशक्ल हैं, लेकिन यही कलाम धोके हमें साफ कर देता है और यीशु का लहू हमें माफ कर देता है। सारे बोलो यीशु मसीह की। इस पास्टर ने मेरे लिए दुआ की, तुम इंडिया जाओ, आई विल सेंड यू टू अ लैंड ऑफ मिल्क एंड हनी। और मैंने पहले आई हैव नेवर हर्ड दिस वर्ड्स बिफोर, मिल्क एंड हनी। मैंने कहा ऑस्ट्रेलिया। और मैं जाके जी अप्लाई कर दिया ऑस्ट्रेलिया, उधर ऑस्ट्रेलिया का काम स्टार्ट हो गया। और मैं मम्मी को, मॉम डैड को बताने इंडिया गया। ये 2009 की 1999 इसको तारीख सब याद रखिए। 19 मैं भूल जाता हूं, मैं 2003 कब पैदा हुए थे, 2009 पर एक्चुअली मेरी उम्र 11 साल है क्योंकि मैंने 2001 में खुदा को पाया है। हालेलुया।
तो मैं जब कभी इमरजेंसी आइन में बैठता हूँ वहां पे लिखता है कि 18 साल से नीचे मत बैठो, तो मैं बैठने से डरता हूँ क्योंकि अभी मेरे को 7 साल और बाकी है। मैं खुदावंद में अभी 11 साल का हूँ, लेकिन मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि उसने मेरे से इतनी मोहब्बत की है। हालेलुया। बहरहाल किसी को नींद तो नहीं आ रही है, आ ही नहीं सकती है, खुदा की हजूरी में किसी को नींद नहीं आ सकती। बोलो यीशु मसीह की। और जी मैं इंडिया चला गया और इंडिया में खुदा ने मेरी, मैं इंडिया गया, मम्मी ने बोला कहीं नहीं जाना, कितने नहीं जाना, इंडिया रहना है। और मैं बड़ा दीबा पुत्र, मैंने कहा इंडिया तो इंडिया से। और हमने वहां पे स्टूडियो खोला ट्रिनिटी, ट्रिनिटी साउंड थोड़ा मेरे अंदर आ गया था। दीना पुत्र ट्रिनिटी क्या है, ये ट्रिनिटी क्या है, मैंने कहा नाम है बस, चिंता नहीं करता, ये कोई क्रिश्चियन नाम नहीं है, ट्रिनिटी कुछ भी हो सकता है, समझा करो। मैंने नाम रख दिया इसके पूछे बिना, जाके कंपनी रजिस्टर हो गई ट्रिनिटी साउंड प्राइवेट लिमिटेड। और हमने बॉलीवुड के अंदर काम शुरू कर दिया जी, फिल्में आने लग गई, सारे एडवर्टाइज और टीवी सीरियल और एल्बम सारा जी काम फर्स्ट क्लास शुरू हो गया। सब बोले यीशु मसीह की। मुझे लगा अब ये जिंदगी जो है शुरू हुई है। लेकिन मेरे अंदर एक जो भूखा इंसान था जिसका नाम था अनिल कांत, जो मरना चाहता था और जो जीना चाहता था, सब कुछ अच्छा था, मेरे साथ कुछ गड़बड़ नहीं था। मैं आईसीयू क्रिश्चियन नहीं हूं, मैं बीमार होके नहीं आया, कैंसर होके नहीं आया, मैं मेरी बीवी भी मुझसे प्यार करती थी, मेरे बच्चे भी मुझसे, सब मेरे साथ ठीक चल रहा था, हम कमा भी रहे थे, लेकिन एक खालीपन था जिसको कोई भर नहीं सकता था। और मुझे लगता था कि क्या पैसा कमाना कि इतना बड़ा, यू नो समटाइम्स वी कैन बी वेल्दी बट वी आर नॉट एनरिच्ड, डिफरेंस है, बहुत पैसा है लेकिन लाइफ में कुछ नहीं, वी हैव अ लॉट ऑफ मनी बट देयर इज नो जॉय। आप अपने बैंक स्टेटमेंट देखा मेरे पास $3 million की करना $3 million, $4 million क्या फायदा है, सारा दिन बैंक के चक्कर काट रहे हैं जी, हाँ जी इंटरेस्ट खाओ, इंटरेस्ट इतना इंटरेस्टिंग नहीं है जितना खुदा इंटरेस्टिंग है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। वी आर सो फोकस्ड टुवर्ड्स वेल्थ मनी, और अमेरिका के अंदर तो और भी ज्यादा है आदमी की इज्जत। हेलो आपको हेलो प्रेज द लॉर्ड से पता जाए, अमीर आदमी प्रेज द लॉर्ड, गरीब आदमी आई विल जस्ट कम। बोलो यीशु मसीह की। पैसे से औकात नहीं है मेरे अंदर, ये खालीपन था। मैं कहता था खुदा क्या ऐसा है, वो कौन सी चीज मिसिंग है, ये रोज मुझे डांटती थी, मैं रोज रोता था, ये सोती थी, मैं तकिए पे बैठ जाता था और दुआ करने लगा, मैं मेरे पास कुछ रास्ता नहीं था, और मैं कहता था लॉर्ड इट इज अर्जेंट, फादर आई नीड सेल्वेशन। फिर मैं बुद्धा की तरह से राइट तरफ मुंह करके सो जाता था स्माइल करके क्योंकि वो कहते कि इफ यू स्लीप बाय स्माइलिंग, स्माइलिंग बाय स्लीप यू विल बी फुल ऑफ जॉय। वो जॉय होती थी, वो मच्छर काटता था जॉय चली जाती। सारे बोलो यीशु मसीह की। मैं रोता था, सब बोलो मैं रोता था, क्योंकि आप मेरे भाई बहन है, हमारा मेरा एक फ्लैश है, बोलो मैं रोता था, आप मेरे डर को महसूस कर सकते हैं, बोलो मैं रोता था और मैं कहता था खुदा मुझे नजात दे। लेकिन एक रात मैं रो रहा था और खुदावंद का रूह उस कमरे में मौजूद हुआ और खुदा ने कहा कि बाइबल निकाल। मेरे पास बहुत बाइबल थी, सब गिफ्ट मिले, बहुत सारी गिफ्ट मिली थी, मैंने बड़े गीत लिखे थे बाइबल से, मुझे खुशी हुई, मैंने उस आवाज को सुना, मैंने बाइबल निकाली और मैं पन्ने पलटने लगा, खुदा का रूह मुझे अगुवाई करता गया। मैं रोता जा रहा था कि असत महसद कमाया तमस परमेश्वर, मुझे सत्य से सत्य में लेके जा, तमस से ज्योति में लेके जा, मुझे मृत्यु से अमृत में लेके जा, मुझे मुक्ति चाहिए, अर्जेंट है, मुझे आज चाहिए, मैं वेट नहीं कर सकता। और खुदा का रूह मुझे यूहन्ना की किताब 14:6 में लेके गया और खुदा का कलाम कहता है कि मार्ग सत्य जीवन है, मैं हूं, कोई मेरे बिना मेरे बगैर पिता तक नहीं पहुंच सकता। मैंने कहा यीशु
अगर ये तू है, मैंने बहुत सुन लिया, मैंने बहुत टॉर्चर भी सह लिया, लेकिन अगर आज तू सच है तो आज तू मुझसे बात कर और मैं तुझे एक मिनट देता हूं। और मैंने खुदा से कहा कि मुझे मुक्ति की, मुझे मुक्ति का सबूत चाहिए, मुझे प्रमाण चाहिए, मुझे प्रूफ चाहिए। मेरे भाई और बहनों, कितने लोग जानते हैं कि खुदा जिंदा है? वो जिंदा खुदा है, इज अ लिविंग गॉड। आमीन। मैंने खुदा से दुआ की और मैंने कहा, यस्सु आज मैं अपना दिल तेरे आगे खोलता हूं। दुनिया क्या कहती है मैं नहीं जानता, अगर तू नजात दींदा है, अगर तू मुक्ति दाता है तो मुझे मुक्ति दे। और मैंने अपनी आंख खोली तो चारों तरफ नूर ही नूर था और खुदा का रूह वहां पर मौजूद था। और खुदा ने कहा कि तेरी नजात आज मैंने तुझे दे दी है, तेरे कर्मों की वजह से नहीं, तेरी अच्छाई की वजह से नहीं। गॉड इज नॉट एन इल्यूजन, वो एक इल्यूजन नहीं है, वो एक भ्रम नहीं है, वो सत्य है, टैंजिबल है, छू सकते हैं। और मैंने अपनी मुक्ति को मुट्ठी में पकड़ा है और वो आज तक मेरे साथ है। हालेलुया। सब बोलो यीशु मसीह की। लेकिन एक साल, सब बोलो एक साल, सब बोलो एक साल। तू ही तो है हक और तू ही रास्ता, तू ही जिंदगी है जिंदगी, खुदा बन खुदा।
हमारा तो जीसस के बारे में बताता था हम वी आर मैरिड फॉर 26 इयर्स नाउ एंड इन द लास्ट 26 इयर्स देयर इज समथिंग दैट वी डू एवरी डे हम रोज ड्राइव पे जाते हैं अब यहां पे तो मैं मेरे पास लाइसेंस नहीं है इंडिया में हम लोग रोज ड्राइव पे जाते हैं आमेन एवरी नाइट और हम बहुत बातें करते हैं लेकिन वो एक साल हम रोज लड़ते थे क्योंकि मैं जब गाड़ी में बैठता था मैं बोलता था बाजू में जीसस क्या कहते हैं शट अप जीसस का नाम मत लेना उतर जाओ हाईवे के ऊपर कहीं उतर जाओ मैं बोले अरे क्या जा रही है भाई ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे हमारे यहाँ पे 101, 98 ऐसा कुछ नहीं है बोरी वाली हाईवे कांदी वाली हाईवे अहमदाबाद हाईवे और जयपुर हाईवे और ये कहती थी मैं उतर जाऊंगी मैं कहता था ऐसा मत कर इतना परेशान हो जीसस तुझसे प्यार फिर हम अगले दिन फिर डिसाइड करते थे आज हम गाड़ी में बैठेंगे प्यार से हम बैंड्रा तक जाएंगे और बात करके वापस आ जाएंगे ऐसी ऐसी अच्छी बातें करेंगे तो हम धीरे धीरे अंधेरी से चलते चलते जुहू तक पहुंचे जुहू में जाते ही मेरे अंदर आया पता जीसस क्या मैं आपको छोड़ दूंगी इतना डेंजरस है क्या जीसस बोलो यीशु मसीह की जैसे अभी इन्होंने बताया कि जिस रात इन्हें बहुत रोशनी दिखाई दी अगले दिन उस दिन रात को उन्होंने मुझे उठाया और मैंने उनको बोला कि आपको लगता है आपका दिमाग खराब हो गया आप भी सो जाओ मुझे भी सोने दो अगले दिन फिर उन्होंने कहा मुझे मुक्ति मिल गई है क्या बोला मुझे मुक्ति मिल गई तो मैं हंसने लगी और मैंने कहा मुक्ति इतनी आसान है क्या साधु संत महात्मा सालों साल पहाड़ों पर जाते हैं तपस्या करते हैं बहुत उनको दीमक खा जाती है मेडिटेशन करते क्या कुछ नहीं करते तब जाके उनको मुक्ति मिलती है और मैं इनके ऊपर हंसने लगी मैंने कहा मुक्ति इतनी आसान थोड़ा बैठे बैठे मिल जाती है और फिर धीरे 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 उन्होंने मुझे यीशु मसीह के बारे में जब बताना शुरू किया कि कोई ऐसा नाम नहीं है सिर्फ यीशु मसीह का वो नाम है जो हमें नजात दे सकता है तो मैं उस चीज को समझ नहीं सकती थी क्योंकि मैंने सिर्फ यीशु मसीह को क्रूस पे लटका हुआ देखा था वो क्यों लटके थे मैं नहीं जानती थी Amen. और मैं ये सोचती थी जैसे हमें सिखाया गया है कि जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा और मैं सोचती थी हम तो अब बहुत अच्छा कर्म करते रहते हैं हमारे अंदर तो कोई बुराई नहीं है हम तो किसी का गलत नहीं चाहते ना सोचते हैं तो हम तो बहुत अच्छे हैं लेकिन बाइबल कहती है कोई अच्छा नहीं एक भी नहीं सबने गुनाह किया है और सब उसकी महिमा से रहे थे आमेन तो मैं ये नहीं जानती थी कि मैं भी गुनाहगार हूँ मैं भी पापी हूँ और मुझे नजात चाहिए लेकिन उन्होंने मुझसे एक सवाल किया हमारी बहुत हर रोज बहुत आर्ग्यूमेंट्स होती थी मैं कहती थी हमारे स्क्रिप्चर्स में भी तो सेम चीज लिखी है फिर क्यों जीसस बहुत सारे देवी देवताएं हैं किसी के भी पीछे जा सकते हैं व्हाई ओनली जीसस व्हाई मेरा एक ही सवाल था व्हाई जीसस और मुझे धीरे 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 इनकी एक बहुत अच्छी खास बात ये थी कि इन्होंने कभी भी आशा नहीं छोड़ी हमेशा मेरे लिए दुआ करते थे और मैंने एक बहुत अच्छी चीज देखी जिससे मेरा दिल बदला और वो है अ क्राइस्ट लाइक बिहेवियर इन हिम मैन जो प्यार जिस प्यार की यीशु मसीह बात करते हैं जिसकी वजह से वो क्रूस पर लटके वो मैंने इनके जीवन में मेरे लिए देखा
मैं लड़ाई करती थी ये फिर भी मुझसे बहुत प्यार से बात करते थे, मुझे समझाते थे और ये बताते थे कि अगर मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि तुम सब गड्ढे में गिर जाओ, मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ हो, हम सब एक साथ उस जीवित परमेश्वर की महिमा करें। बहुत धीरे धीरे मैंने बहुत इनको तंग किया, लेकिन एक साल के बाद मुझे धीरे से समझ आना शुरू हुआ। पर सबसे ज्यादा डर मेरे अंदर ये था कि मेरे व्हाट विल माय फैमिली से, व्हाट विल माय फ्रेंड्स से, सब क्या कहेंगे, और मैं वो आगे कदम बढ़ाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। और एक रात जब मैं, हम दोनों की बहुत बड़ी लड़ाई हुई, तो मैंने कहा कि अगर तुम इस रास्ते को नहीं फॉलो करना चाहती तो मैं भी नहीं करूंगा, बट शो मी द राइट वे, टेल मी व्हिच इज द अदर वे व्हिच वी ऑल विल फॉलो टुगेदर। और उस रात में जब रोना शुरू किया, मैंने खुदा से कहा कि अगर तू जिंदा खुदा है तो मुझसे भी बात कर, तूने इनसे बात की है, मैं भी सुनना चाहती हूँ। और मुझे बड़ी क्लियर आवाज सुनाई दी कि कल की चिंता तू मत करना, कल खुद अपनी चिंता करेगा। और खुदा ने कहा कि बेटा तू क्यों डरती है, तू किससे डरती है, कोई तेरे साथ नहीं है, लेकिन मैं अंत तक तेरे साथ रहूंगा। और उस दिन मैंने ये डिसीजन लिया कि आई विल नॉट फाइट, आई विल नॉट रेजिस्ट, I will just submit, I will surrender, and I will leave it on the Lord. Let Him lead me. And I came and told Him that I am ready. I am ready. Amen. Let me tell you, our Lord is a Lord of families. He doesn't raise one person, but He raises the whole family. Amen. वो अब्राहम को उसने पूरे खानदान को उठाया, याकूब के पूरे खानदान को उठाया, इजहाक के पूरे, अनिल कांत के पूरे, आपके पूरे, जोसेफ कुंचुंडी के सारे, और खुदा खानदानों का खुदा है। आमीन। उसने हमारे लिए अपनी जान दी है। बाइबल में लिखा है, इट इज मोर ब्लेस्ड टू गिव देन टू रिसीव। हमने नजात पाई है, लेकिन अब हमको अपना दिल खुदा को देना है। आज खुदा आप सबको बुला रहा है, द लॉर्ड इज कॉलिंग यू टुडे। किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप क्रिश्चियन बन जाओ, नहीं, मैं ये कहता हूं कि आप मसीह के पीछे चलो। आई एम नॉट टेलिंग यू टू बिकम अ क्रिश्चियन, बट फॉलो जीसस, एंड दैट इज व्हाट विल चेंज योर लाइफ। वी हैव 11 ईयर्स, we have a testimony. God has changed our lives. He's changed the life of my daughter, my son. We are one unit. Hum ek hain. Aur we have this quality decision. We don't fight in the house. We don't have any misunderstanding whatsoever. We don't keep things in our heart and sleep, because we both believe that God is a God of forgiveness, and He's died for my sins. And there's absolutely, I'm not a very rich person, but I'm a very enriched person. I lead a very joyful life. I look forward to spend time with my family, and I look forward to be joyous. But hamara ghar is a small house, but it's a house of joy. Amen. We don't have carats of diamonds, but we have Jesus in our hearts. And this is what? This is the treasure that will go with me. This is the eternal life. This is what I have, which nobody can snatch. Koi depression, koi economic depression, koi kuch nahi mujhse chheen sakta. Koi dunya ki taakat mujhko aur mere Yesu ko alag nahi kar sakti. Hallelujah. We'll take last song from this song number 14.
मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। सारे ना बोलो हालेलुया, मेरा जीवन ये हमारी आत्मा में सुन वाले जाग में Yeah.
तेरी राह पे चलना है, मेरी जिंदगी को बदल दे, मुझे पवित्र कर। तेरा कलाम कहता है पवित्र बनो, बी ए होली, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। खुदावंद हमें पाक साफ कर, हमें नया कर दे, हमारे जिस्मों से हर बुराई निकाल दे, हमारी आंखें बदल दे, हमारे कान बदल दे, हमारे जीवन बदल दे, हमारी सोच बदल दे, हमारे पैर बदल दे, मेरे पैर ले ले खुदा ताकि मैं तेरी राहों पे चलूं, मेरे हाथ भी ले ले खुदा ताकि इन हाथों से मैं तेरे काम करूं, मेरी जबान भी ले ले ताकि ये जबान तेरा नाम ले। तू मुझे बदल दे आज, मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करती हूं कि तू खुदा का इकलौता बेटा मेरे लिए इस धरती पे आया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। लॉर्ड आज मैं तुझे अपना मुक्तिदाता, पर्सनल सेवियर, व्यक्तिगत नजात दहिंदा स्वीकार करती हूँ, स्वीकार करता हूँ। खुदावन अपना रूह भेज और मेरी अगुवाई कर। आमीन। जोरदार ताली बजाएंगे प्रभु के लिए। बाइबल में लिखा है यू शैल नो द ट्रूथ एंड द ट्रूथ विल सेट यू। आप आज हमारा जो आपका जो मैंने जो पैम्फलेट पढ़ा उस पर लिखा था हीलिंग। आमीन। हीलिंग जो हमारे अंदर से जब पाप निकल जाएगा, रोशनी क्या है बोलो, रोशनी क्या है, जब अंधकार चला जाता है तो रोशनी आ जाती है। आमीन। बाइबल में लिखा है यू शैल नो द ट्रूथ एंड द ट्रूथ विल सेट यू फ्री। इस कमरे में एक एग्जिट यहां है, एक एग्जिट वहां है। सब बोलो यीशु मसीह की। अगर आग लगती है और आप इधर भागते हैं तो फंस जाएंगे, आग लगती है उधर भागते हैं तो आप जल जाएंगे, इस कमरे में जाएंगे उस कमरे में जाएंगे रास्ता। लेकिन लोग तो कहते हैं हर रास्ता बाहर जाता है, हर रास्ता वहीं। नहीं, नहीं 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 नहीं, हर रास्ता वहां। कुछ एग्जिट है जो खुदा ने लिखा है कि तुम इस रास्ते को अख्तियार करोगे तो दुनिया की आग से बच जाओगे। आमीन। बीमारी क्या है? बीमारी शैतान की तरफ से है, बीमारी खुदा की तरफ से नहीं है। हम अय्यूब की किताब में जानते हैं कि शैतान डोलता डालता खुदा के पास आया और उसने कहा कि मुझे तेरे इस बेटे को आजमाइश में डालना है, देख ये तेरे को नकार देगा। सब बोलो यीशु मसीह की। तकलीफ कहां से आती है, अंधकार कहां से आता है? जहां रोशनी नहीं है वहां अंधकार है। घरों में लड़ाई झगड़ा क्यों है? क्योंकि वहां पर रोशनी नहीं है। हम कर्जे में क्यों है? क्योंकि हमारे अंदर रोशनी नहीं है। हम नाम के तो क्रिश्चियन है लेकिन हाथ में दारू का गिलास है। प्रेज द लॉर्ड।
अरे गॉड इज सो गुड ना, अभी मैं छनक छलो देख क्या है क्या यार शाहरुख खान, ये खुदा के लोग नहीं है, क्योंकि दुनिया का जो अंधकार है वो उसकी औलाद के लिए कभी भी खुशी का बायस नहीं बन सकता। हम अगर मसीह हैं, द प्रूफ ऑफ बीइंग अ डिसाइपल इज टू कैरी द क्रॉस, द प्रूफ ऑफ बीइंग अ लाइट इज टू शाइन, आमेन, द प्रूफ ऑफ बीइंग अ सेंट इज टू बी सेपरेटेड। हम प्रीच करते हैं संतों, प्रभु के संतों, प्रभु के संतों, लेकिन सारे तो किसी और ही दुनिया में खोए हैं। वो खत्म कर पापा जी, मैं क्रिश्चियन हूं, मैंने मसीहत इसलिए नहीं अख्तियार की क्योंकि मैंने कोई और रिलीजन पकड़ लिया, नहीं नहीं नहीं, मेरा जीवन संवर गया है। एनॉइंटिंग का मतलब ये नहीं है कि सारे जमीन पर लेटे हुए हैं और उसके बाद वही वाले काम कर रहे हैं। जो बड़ा मसा था जी, सारे गिर गए, बड़े गिरे हुए सब, सारे अनुग्राता जी सारे लेट गए थे और खड़े होके फिर वही झूठ बोल रहे हैं, खड़े होके वही चुगलियां कर रहे हैं, खड़े होके वही बुराई कर रहे हैं। आज तक मजा नहीं आया, तो मजा तुम मत उसी मजा लेना है। अपनी जबानों को बदलना है, टंग्स में बोलते हैं हम जी, टंग्स में बोलते हैं सुबह शाम, बड़ी टंग्स में बोलते हैं। पहले सच बोलना सीखो, पहले सच बोलना सीखो, फर्स्ट लर्न टू स्पीक द ट्रूथ, दिस इज वन टंग दैट यू डोंट नो हाउ टू स्पीक, आमेन। ये टंग्स में बोलना, ये सारे नाटक नहीं करने हैं, हमको मसीह के पीछे चलना है। हालेलुया। नहीं नहीं जी, हमने मसीह से भी बड़े बड़े काम करेंगे, तो चलो फिर ये सी बीच पे चल के, पहले पानी पे चल के दिखा, बाकी की बातें बाद में करेंगे। आमेन। हम जो करना नहीं चाहते उसके बहाने ढूंढते हैं, हम जो बड़े आत्मिक हैं, पाप किया आके लेट गए, पाप किया पास्टर आएगा, एक दिन कोई पास्टर आएगा सिर पे हाथ रखेगा तब हम ठीक होंगे, नहीं, मास्टर आ चुका है। हमें पास्टर के पीछे नहीं जाना है, हमें मास्टर के पीछे जाना है, लेकिन मास्टर ने जो पास्टर दिया है, पास्टर के पीछे क्यों जाना है ये समझना है, क्योंकि पास्टर को उसने मसा किया है। हालेलुया। सारे बोलो यीशु मसीह की, सब बोलो यीशु मसीह की। हमें अपनी जिंदगियों को बदलना है। एक गांव था, उस गांव में कुछ नहीं था, बोलो कुछ नहीं था, बोलो कुछ नहीं था, उस गांव में ना बिजली थी, ना पानी थी, ना लाइट थी, ना गार्डन था, ना सड़क थी, इंडिया का गांव होगा। उस गांव में कुछ नहीं था और गांव के जो बशिंदे सारे परेशान हो यार कि साढ़े पेड़ कोई कुछ भी नहीं होता, कुछ नहीं हमारे गांव में, सारे कहते छोड़ के चलो यार ये गांव। राजा को कई बार चिट्ठी लिखी, सड़क दे दे, गार्डन दे दे, नलका दे दे, पानी दे दे, टंकी दे दे, कुछ नहीं देता था राजा। तो सारे लोग एक दिन कहते चलो जी हम गांव छोड़ के चले जाते हैं। सारे बोले यीशु मसीह की। तो एक बुजुर्ग हमारी एक आंटी थी वहां पे, कहती बेटा कहां जा रहे हो, वो कहते तुझे ही चलो बस्त्रा बोरिया बिथरा बन लो, यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है। तो कहते बेटा क्या हुआ, कहते आपको तो पता है जी इतने सालों से हम यहाँ रह रहे हैं, यहाँ पे कुछ नहीं। कहते मुझे एक कागज पेंसिल ला के दो, मैं राजा को चिट्ठी लिखती हूँ। वो कहते हमारे बड़े बड़े पंचों ने चिट्ठी लिखी, पास्टर ने चिट्ठी लिखी, कुछ हुआ नहीं माता जी, आपके लिखने से, आपके लिखने से, लेकिन माता जी ने कुछ चिट्ठी लिखी। बोलो माता जी ने चिट्ठी लिखी, और जब चिट्ठी लिखी तो चिट्ठी के बाद 15 दिन हो गए, कितने दिन हुए, 15 दिन के बाद ट्रक आ गया, घोड़े आ गए, सारी सड़कें बनने लग गई, और जी टंकी लग गई, पानी का आ गया, वो गार्डन बन गया, ये बन गया, वो बन गया, और रास्ते में एक मूर्ति भी लग गई राजा की, सारा सामान तैयार हो गया। गांव वाले हैरान, वो माता जी के पास गए और तुसी की किता माता जी, ये आपने कमाल जो हम 50 साल से नहीं कर पा रहे थे आपने कैसे कर दिया। सारे बोले यीशु मसीह की। माता जी ने कहा बेटा मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो इतना लिखा, राजा जी हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, हमारी इच्छा है हमारे घर आए एक दिन भोजन करने, खाना खाए। राजा के घर में चिट्ठी है, राजदूत चिट्ठी लिखा है, ये माता जी ने चिट्ठी लिखी है, क्या लिखा, आप वो रामगढ़ में खाने के लिए बुलाना चाहते हैं, हम जाएंगे,
नहीं राजा जी आप नहीं जा सकते, वहां पे ना सड़क है ना पानी है ना नलका है ना कुछ, आपकी इंसल्ट हो जाएगी। ऐसा है? ऐसा क्यों है? मुझे 15 दिन में वो शहर तैयार चाहिए। लो जी राजा आने से पहले 15 दिन में शहर। माता जी बहुत समझदार थे, उन्होंने राजा से चीजें नहीं मांगी, उन्होंने राजा को मांगा। और जहां राजा आता है उसका राज्य उसके साथ आ जाता है। बाइबल में लिखा है, बाइबल में लिखा है पहले पहले उसकी बादशाहत, तुमको दुनिया की हर एक चीज भी वो देगा। सुनो तुमको दुनिया की हर एक चीज भी वो देगा। राजा से चीजें मांगना बंद कर दो और राजा को मांगना शुरू करो। हालेलुया। चर्च में आते हैं क्योंकि उस राजा ने हमें सब कुछ दे दिया है। बोलो सब मिल गया है मुझे। कितने शिकायती लोग यहां बैठे अंदर अंदर तो करते होंगे, मुझे पता है, चीटिंग मत करो। सारे दिन शिकायतें लेके चर्च आए हैं, कभी इससे शिकायत, सबसे पहले तो प्रभु से शिकायत है कि उसने मेरे लिए ये नहीं किया, मेरा वीजा नहीं लगा अभी तक अमरीका का पक्का। अरे आपका स्वर्ग का वीजा लग गया है, आपका अनंतकाल का वीजा लग गया है। खुदा ने जब आना है तो उसने ये नहीं बोला अमेरिका से उठा लो या कनाडा से उठा लो, वो कहेगा जहां जहां मेरे लोग हैं जो मेरी आत्मा और सच्चाई में जो मेरी परस्तिश करते हैं उनको उठा के ले। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, तो मेरा यीशु मेरे पापा दे ले, मैनू दित्ती उन्हें माफी मेरी। मैं नहीं गाने लगा जी, श्रेया गाने लगी है। हालेलुया। इन्हीं का गाना है। Thank you.
इबादत सिर्फ चर्च में नहीं होती है, बोलो सिर्फ चर्च में नहीं है, इबादत हमारे जिंदगी के हर कदम पे होती है। आमीन। सब बोलो माइंड ऑफ क्राइस्ट। हमारे पास क्या, किसका दिमाग है? अब मसीह का मन है, बोलो मसीह का मन। सब बोलो मसीह का मन। किसका मन है? हालेलुया। आप कभी देख मसीह कभी झूठ बोल सकता है? बोलता है मसीह कभी चोरी करता है? लेकिन हम कर सकते हैं। हम कब कर सकते हैं? जब हमारे अंदर मसीह का मन नहीं होगा। आपने कभी देखा है मसीह, यीशु मसीह मती के साथ बैठ के पतरस की, यार ये पतरस बड़ा परेशान करता है यार, पतरस यार पास्टर बनने की कोशिश कर रहा है। हालेलुया। कभी देखा आपने? इधर इधर भी पतरस है, पतरस इधर आइए आप जरा, ये देखो पतरस, ठीक है? पतरस बोला तू ही है तो, पतरस बोला तू ही है तो, हुक्म दे मुझको मैं भी आऊं, हुक्म दे मुझको मैं भी आऊं। यीशु ने बोला तू फुल गॉस्पल चर्च का नहीं है, तू फिफ्थ डे एडवेंटिस्ट है, तू जब तक सेवंथ डे नहीं बनेगा मैं तुझे पानी पे चलने नहीं दूंगा। और मेरी 30 साल की मिनिस्ट्री हो, तू 3 दिन में पानी में चलना चाहता है? ऐसा बोला जीसस ने? नहीं। ऐसा बोला? नहीं। पतरस बोला तू ही है तो, बोलो पतरस बोला तू ही है तो, हुक्म दे मुझको यीशु मैं भी आऊं, हुक्म दे मुझको। यीशु ने बोला पतरस आ मेरे संग चल, यीशु ने बोला पतरस आ मेरे संग चल। यीशु आज बुलाता है अपना हाथ बढ़ाता है, यीशु आज बुलाता है अपना हाथ बढ़ाता है। वो पानी पे चलता था तुमको साथ चलाता है, वो पानी पे यीशु संग चलना है, यीशु संग चलना है, नामुमकिन करना है, नामुमकिन करना है। इरादे के साथ बोलो, पड़ोसी बोलो, यीशु संग चलना है, यीशु संग चलना है, नामुमकिन करना है, नामुमकिन करना है। आप ही आ जाओ, जरा नीचे आओ, जरा इनके लिए ताली बजाओ जी, जरा नीचे बैठो दुखी बन के ऐसे। हाँ जी, 38 साल से खाना कारा, बोलो 38 साल से। आपको परेशान दिखना है, आप हंसेंगे नहीं। 38 साल से खाना कारा, बोलो 38 साल से खाना कारा, बैठा था वो यूं ही बेचारा, में बेथेस्दा के कुंड के पास एक 38 साल का रोगी बैठा था और वो इंतजार कर रहा था कि कुंड के ऊपर कोई फरिश्ता आएगा, पानी हिलेगा, तब मुझे कोई उठा के इस पे डालेगा, तब मैं ठीक हो जाऊंगा।
कोई आया नहीं, कितने साल से नहीं आया, 38 साल, लेकिन उस दिन यीशु मसीह आ गया। यीशु ने बोला, आपको मालूम है जो खाट बिछा के बैठे होते हैं ना, ये सब बहानेबाजी हैं। आप लोगों के जीवन में आपको किसी चीज का इंतजार करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कलवरी के क्रूस से सब कुछ जारी हो चुका है। सिर्फ हमें अपनी बहानेबाजी छोड़नी है और अपने बहानों की खाट को लपेटना है और सारे ताली बजाएंगे यीशु के लिए। कमाल, यीशु ने बोला अपनी खाट उठा के चलिएगा, यीशु ने बोला अपनी खाट उठा के चल, यीशु आज बुलाता है अपना हाथ बढ़ाता है, वो पानी पे चलता था हमको साथ चलाता है, यीशु संग चलना है करना है, यीशु संग चलना चलना है। आप आइए जरा, आपका नाम क्या है? जेम्स भाई, इधर आइए। आप कितने लोगों ने बर्तिमाई का नाम सुना है? बार्थिमियस का नाम कितने लोगों ने सुना है? अंधा जन्म के, इधर आपको अंधे का एक्टिंग आता है? अंधे का एक्टिंग आता है? तो अपना आंख चढ़ा के बोलो, दाऊद की संतान, दाऊद की संतान मुझ पे दया कर, बोलो दाऊद की संतान मुझ पे दया कर। जन्म के अंधे बर्तिमाई ने, बोलो जन्म के अंधे बर्तिमाई ने कहा, यीशु से मैं देखना चाहूं, क्या कहा? कहा यीशु से मैं देखना चाहूं। यीशु बोला तेरे ईमान ने तुझको चंगा कर, खोलो आगे। तीन बातें हैं, बोलो तीन बातें हैं। पहला क्या है? पतरस, पहले क्या चाहिए? विश्वास चाहिए। और पतरस को क्या था? विश्वास। आपको है कि नहीं है? नहीं है तो आज समय है, अपने दिल के अंदर विश्वास पैदा करो, अपने दिल के अंदर ईमान पैदा करो, पतरस जैसा ईमान। बोलो मुझे पानी पे चलना है, बोलो मुझे पानी पे चलना है, मुझे नामुमकिन करना है। किसी ने अगर कहा है कि दिस इज इम्पॉसिबल, लेकिन आप कहो कि मेरे लिए ये मुमकिन है, क्योंकि यीशु मेरे साथ है। आमीन। और ये 38 साल से, 20 साल से, 10 साल से जो बैठे हैं बहानेबाजियां कर रहे हैं, उठ के खड़े हो जाओ। और बाइबल में लिखा है कि मेरे लोग इसलिए हलाक होते हैं क्योंकि उनकी आंखें बंद हैं, क्योंकि अंधा अंधों को लेके जा रहा है और दोनों गड्ढे में। लेकिन हमें यीशु के साथ चलना है और नामुमकिन करना है। आज अपने दिमाग से सारे बोझ उतार दो और कहो कि मुझे ईमान का जीवन जीना है। बोलो मुझे ईमान का जीवन जीना है, मुझे ईमान की जिंदगी जीनी है। मैं कुछ भी कर सकता हूं, क्योंकि जो मेरे अंदर है वो दुनिया से बड़ा है। जो मेरे अंदर है वो दुनिया से बड़ा है। जोरों से बोलो यीशु मसीह की। एवरीबॉडी तैयार है, जरा शोर मचा दो लोगों के लिए। एवरीबॉडी कम ऑन, 2 3 4। यीशु संग चलना है, नामुमकिन करना है। बोलो यीशु संग चलना है।
पतरस बोला तू ही है तू हुक्म दे मुझको मैं भी आऊं पतरस बोला तू ही है तू हुक्म दे मुझको मैं भी आऊं यीशु ने बोला पतरस आ मेरे संग चल किसी दिन कोई आएगा मुझे उठा के डालेगा मेरे को सुनवाई मिलेगी भाई मेरे कोई नहीं लेकिन यीशु मसीह आ गया है। और 30 साल से यीशु के साथ चलना चाहते हैं। सब मेरे साथ बोले प्रभु यीशु, आज तक जो चीज मैंने नामुमकिन समझी थी आज मैं विश्वास करता हूं कि तूने मेरे लिए मुमकिन कर दिया है। खुदावन, मैं बहुत सालों से एक चीज का इंतजार करता था। मुझे लगता था कि शायद मुझे ये नहीं मिलने वाला, ये आशीष मेरे लिए नहीं है, ये आशीष मेरे लिए नहीं है। लेकिन प्यारे खुदावन, आज मैं विश्वास करता हूं कि तू आया है और तूने मुझे ये बरकत दे दी है। तूने मेरी आंखें खोल दी हैं, तूने मुझे शिफा दे दी है, तूने मुझे आजाद कर दिया है। क्योंकि जिसको बेटा आजाद करता है वो आजाद है। एक बार ऐसे ताली बजाएं प्रभु के लिए जिसे आज तक आपने कभी नहीं बजाया।
यीशु से डरती है बदरूहें सारी, यीशु से डरती है हर बीमारी, यीशु से डरती यीशु के प्यारो दुख से नहारो, यीशु को सच्चे यीशु का वादा सच्चा है, जो भी वो कहता है होता है, यीशु यहोवा रफा है, बोलो यीशु खुदा का है बेटा, पढ़ के कलाम देख लो, हालेलुया पढ़ के कलाम देख लो। मैं इससे पहले ये गीत गाऊं, मैं दो तीन लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा। एक तो हमारे भाई डेविड मसीह का, जिनने आज की शाम हमें बुलाया है, और मैं जिस घर में पैदा हुआ, मैंने जैसे कहा कि मैं एक परिवार से जहां से आता हूं, और जिस परिवार ने मुझे जन्म दिया, मेरे पिताजी और मेरी माताजी और मेरे पिताजी के छोटे भाई, जो खुदा की मर्जी, इत्तेफाक नहीं है, खुदा के राज्य में कोई इत्तेफाक नहीं है, बोलो इत्तेफाक नहीं है, उसकी मर्जी है। तो खुदा के उस प्लान के मुताबिक, उसकी मर्जी के मुताबिक मेरे पिताजी के छोटे भाई वो कैलिफोर्निया में रहते हैं, और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि वो आज यहाँ पर हमारे बीच में है, और मैं चाचा जी को सामने बुलाना चाहूंगा। राजपाल, ये मेरे चाचा, प्लीज कैन यू प्लीज कम हियर। ब्रदर जोसेफ, ओके ही शाय, मेबी आई विल कॉल हिम, श्रेया विल गो इन फॉर हिम, ऋषभ यू गो एंड कॉल जोसेफ अंकल। बोले यीशु मसीह की जोर से ताली बजाएंगे, कम ऑन, हालेलुया। यीशु के नाम, अगर ये स्टेज थोड़ा सा ऊंचा अगर होता है ना, तो हम यहाँ पर खड़े होते थोड़ा ऊपर आपको नाचते हुए देख सकते थे, लेकिन आप अभी भी नाच सकते हैं। कितने लोगों के पैरों में, गोदों में दर्द है, आज सारी दर्दें चली जाएंगी। ब्रदर जोसेफ प्लीज कम हियर, हालेलुया, प्लीज कम हियर, प्लीज क्लैप फॉर माय ब्रदर जोसेफ हियर, ही इज अ वंडरफुल मैन ऑफ गॉड, एंड ही इज माय केरला ब्रदर, माई ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, and I don't want to say anything, just that you are a wonderful, humble man of God. God bless you, love you, and his wonderful wife Sister Suja, Suma Sister Suma, and Caleb and Joshua, and his wonderful family, and we have found a beautiful brother in Brother Joseph, and of course all of you here. लेकिन ये खूबसूरत गीत है, मैं चाहता हूँ कि हम सब आनंद मनाएं, आमीन। यीशु के नाम में क्यों कलाम में शिफा है, आमीन। जब तक कलाम नहीं पढ़ेंगे हमें पता नहीं चलेगा।
यीशु कहा था यीशु के पैरों को अश्रुओं से पढ़ के कलाम देखना है। कलाम पानी है, वो हमें धोता है। कभी कभी मम्मी जो है रोज कहती है बेटा जबरदस्ती नहा ले, तो बच्चे जबरदस्ती जाते हैं थोड़ा सा पानी डाल के आ जाते हैं, लेकिन ये जबरदस्ती नहाने से भी बंदा साफ थोड़ा थोड़ा हो जाता है। आप सोचते हैं मैं पूरा क्रिश्चियन तो नहीं बन सकता, तो थोड़ी सी भी बाइबल मुझे पढ़ने की जरूरत, ऐसा नहीं है। आप बाइबल पढ़ें। कितने लोग यहां पे बाइबल पढ़ेंगे रोज? कितने लोग हैं जिन्होंने 6 महीने से बाइबल नहीं पढ़ी है? अच्छा 3 दिन से जिन्होंने बाइबल, सच सच बोलना, 3 दिन से बाइबल नहीं पढ़ी है। देखो मेरी बच्ची, शाबाश बेटा, 3 दिन से नहीं पढ़ी है। बाइबल रोज पढ़ना है, रोज बाइबल पढ़ना है। आमीन। इबादत करो। बाइबल में लिखा है, हाँ जी एक मिनट, बाइबल में लिखा है यू शैल नो द ट्रूथ। क्या? और ट्रूथ क्या है? कलाम है। बाइबल में ये नहीं लिखा है, हम लोग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं बहुत सारी, पढ़ पढ़ के बहुत बड़े टेक्नीशियन बन जाते हैं, बहुत बड़े मैनेजर बन जाते हैं, लेकिन हमको सत्य जब तक नहीं पता चलेगा जब तक हम बाइबल नहीं पढ़ेंगे। मैं चाहता हूं हम सब अपने पैरों पे खड़े हो जाएं और ये आखिरी गीत, द लास्ट सॉन्ग फॉर टुनाइट, इबादत करो। इबादत करो यीशु की, इबादत करो। सुंदर गीत उगाई और इसके बाद एक गीत गाने वाला हूं जिसका नाम है सजदा, और मैं चाहता हूं कि इसके बाद पूरा तो आखिरी गीत होगा और पूरा कलीसिया आज नाचेगा खुदा की हजूरी में। कितने लोग तैयार हैं? सारे बोलो दो गीत हैं, दो गीत हैं, सब बोलो दो गीत हैं, एक में इबादत करेंगे और एक में आनंद मनाएंगे। हालेलुया, तालियां बजाएंगे आनंद लाके।
से सजदा खुदावन को। कितने लोग दो पैर लेके आए हैं? कितने दो हाथ लेके आए हैं? कितने कितनों के दिलों में खुदावन के लिए आज पाक मोहब्बत है? कितने पाक दिल आज लेके आए हैं? आमीन। पाक है, लहू ने पाक कर दिया है। बोलो यीशु मसीह के। डेविड पास्टर डेविड मसीह की तरह। हाँ जी, आज हम जोर से इस गीत के साथ खुदावंत की हजूरी में नाचेंगे। कितने लोग तैयार हैं? जहां जहां पर खड़े रहते इस गली से आगे आप आए, इसमें आ जाएं, इसको थोड़ा थोड़ा ऊपर उठा दें, ऊपर उठा दें यार। सारे आ जाएं पहले। Yeah.
ਤੇਰਾ ਪੜਿਆ ਤੇ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਣਾਗੇ ਆਹ
सब औरत थी, एक खड़े हुए थे, बोलो एक औरत थी जो 12 साल से बीमार थी, लेकिन उसने यीशु के पल्ले को छू लिया और उसको क्या मिल गई, उसको शिफा मिल गई, वो आजाद हो गई। सब अपना हाथ उठाए और बोले खुदावन हमें तेरे दामन को छूना है, हमें तेरे साथ चलना है, हमें नामुमकिन करना है। खुदावन हमें पानी पे चलना है। हम 38 साल से, 10 साल से, 20 साल से नकारा बैठे थे। हम समझते थे कि सिर्फ हमारी ताकत, हमारी अक्ल, हमारी समझ, हमारी चालाकी नहीं, खुदा ना जोर से न ताकत से, तेरी रूह से, अपने रूह से भर दे, मेरी आंखें खोल दे ताकि मैं पाकीज़ा, पवित्र, कदूस खुदा के पीछे चलूं और खुद पवित्र हो जाऊं। मेरे जीवन में अगर कोई बुराई है तो उसको निकाल दे खुदा, मेरी कमजोरियों को दूर कर, मुझे मजबूत बना, अपने मसा से भर दे। मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है, मैं तेरा हूँ। मोहब्बत इसमें नहीं कि हमने तुझसे मोहब्बत की, बल्कि इसमें कि तूने हमसे मोहब्बत की और हमारे लिए अपनी जान दी। और खुदावन सब हाथ उठा के बोले खुदावन हम अपना शरीर, मन, आत्मा तेरे हवाले करते हैं। ये परमेश्वर तू मुझे संभाल कर अपने जलाल के लिए, मुझे संभाल कर अपने राज के लिए, मेरे घर में शांति दे, मेरे घर में शांति दे, मेरे घर में आनंद दे, मेरे घर से कलेश, लड़ाई, झगड़ा, हर गंदगी, हर बुराई, हर बीमारी आज मैं शिफा पा गया हूँ। आज मेरे घर में यीशु आया है, आज मेरे घर में छुटकारा आया है। खुदावन तूने मुझे आजाद कर दिया है। दोनों हाथ उठा के बोले तूने मुझे आजाद कर दिया, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ। यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय। और सब ने कहा आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू। यीशु मसीह